हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं लुक लाइक टेक चैनल। आज हम वीडियो लेके आए हैं SBP PTS के बारे में। जी हाँ, काफ़ी कमेंट आ रहे थे PTS के बारे में, इसलिए मैं फाइनली PTS के बारे में ये वीडियो आ ही गया। हालांकि अपडेट अभी चल ही रहा है, वो विभाग का वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसके वजह से रुक नहीं सकते हैं। काफ़ी लोग ये कमेंट किए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो इससे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जा करके अपना जो एप्लीकेशन है उसे आप अपडेट कर दें। यहाँ पर देखिए मेरा अपडेट किया हुआ है और यहाँ पे मेरा जो है एप्लीकेशन जो है ओपन दिखा रहा है। आप डेमो चाहे लाइव दोनों को अपडेट करते रहें, बार बार अपडेट देखें, अपडेट आया हो तो उसे अपडेट कर लें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समय ना गवाते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि PTS में हम कैसे कैसे एंट्री करेंगे। उसके लिए हमारे ऑफलाइन पेज को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसमें एंट्री रहता है और उससे ऑनलाइन में हम कैसे फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और हो सकता है ये जो वीडियो है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन आपको कुछ पाना है तो कुछ समय तो देना पड़ेगा, इसलिए आप साइड में भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहें और आराम से इसको बैठ करके देखें। तो चलिए हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इंटरप्राइज ट्रैकिंग आपको PTS करना है। उसके लिए आपको इंटरप्राइज ट्रैकिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको विलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं विलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो एमी का बनाने वाले हैं वो है प्रेमा का बनाने वाले हैं, तो हम लास्ट वाला जो है इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे डे बुक कीपिंग, ठीक है। तो जब आपका ऋण स्वीकृति करवाते हैं, एमी को ऋण स्वीकृति जब करवाते हैं तो उस समय आप डे बुक भी साथ में देते होंगे। तो वही जो है ऑफलाइन को ही यहाँ पे ऑनलाइन में अपडेट करना है, इसलिए हम आज हम मोबाइल पे देख रहे हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश क्रेडिट बुक है, फिक्स एसेट है और इंटरप्राइज रिपोर्ट है। यहाँ कोई ऑप्शन जो है कभी कभी नहीं खुलता है, ये अभी अपडेट चल ही रहा है इस एप्लीकेशन में, लेकिन जो चीज़ खुलता है, जो चीज़ हम कर सकते हैं उस चीज़ को हम आज हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। और हो सकता है विभाग इसमें और नया नया अपडेट भी आए, उसी तरह से नए नए जैसे जानकारी मिलेगा उसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो हम चलिए सबसे पहले कैश क्रेडिट बुक यहाँ पे देखते हैं। कैश क्रेडिट बुक खोलेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली एंट्रीज ऑफ डे बुक, यहाँ पे आप अगर किसी को दे दिए हैं डे बुक दिए हैं, वो जो दुकानदार है उसका आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ये डे बुक के जरिए ही ट्रैकिंग होगा, ठीक है। PTS का काम ही है प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है दुकान का जो है जैसा स्थिति है उसे हमें जानने के लिए ये जो डे बुक का जो है एंट्रीज करना पड़ेगा इसमें, और सामने से जा करके एमी के पास जा करके वहाँ पे हमें पूछना पड़ेगा, डिटेल से पूछना पड़ेगा कि कितना बेचते हैं वो पर डे में, कितना का माल वो खरीदे, कितना वो सेल किए, कितना बेनिफिट, वो सारा का सारा डिटेल्स जो है वो डे बुक में वो एंट्री करेंगे, एमी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ वो जो पेज है किस तरह से हम ऑफलाइन में एंट्री कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं नज़दीक आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दिनांक, दिनांक में जो है 1 2 3 4 5 है, ये सब पर डे का दिन है, तारीख है। उसके बाद नगद बिक्री है, ये जो है जो नगद बिक्री बेचते हैं, उधार बिक्री है अगर वो उधार बेचे होंगे तो, ठीक है। लेनदारी से प्राप्त राशि, ये सब जो है वो पहले आपको पता होगा ये सब। तो यहाँ पे देखिए नगद खरीद, नगद खरीद क्या है, ये जो है मंडी से जो सब्जी खरीद के लाते हैं वो है नगद खरीद। यहाँ पे देखिए नगद खरीद में 2900 है, 2600 है, इसी तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जो बुक्स खाली है उसे हम नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे परिवहन खर्च, यानी कि वो आना जाने का जो खर्च है वो 90 रुपया और खाने का जो है 40 रुपया वो खर्च करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस डे बुक को देखें। यहाँ पर देखिए लोन भुगतान, यहाँ पर उसी महीना के लिए लोन भुगतान है, लोन ब्याज, लोन देखिए कुल नगद, ये सारे का सारे अचल संपत्ति खरीद, ये सारा का सारा जो अभी हम एंट्री करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और बने रहें इसमें ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम अभी एंट्री तरफ हम चलते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस बटन है, प्लस बटन को दबाएँगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 1 से लेकर 31 दिन तक है, जैसे कि हमने अभी दिखाया 1 से लेकर 30 दिन तक था वो डे बुक में एंट्री किया हुआ डेट था, वही जो डेट है वो यहाँ पर है, देखिए 1 से लेकर 31 तारीख तक, ठीक है। तो पर डे में एंट्री हमें जो है पर डे में एंट्री कैसे करना है, जैसे 1 तारीख को हमें एंट्री करना है तो हम वहाँ पर देखें कि 1 तारीख नहीं था। यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने तारीख से हमें एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए
2 तारीख में कोई ऑप्शन नहीं है, 2800 था लेकिन ये कटा हुआ है, हाँ नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पर 5 तारीख को है, 5 तारीख को है 2830 रुपया, ये नकद बिक्री हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नकद खरीद, उसी दिन 2900 रुपया का नकद खरीद की थी। उसके बाद उसी उसी दिन का खरीदा हुआ माल बचा था स्टॉक में, और वो 2640 रुपया नेक्स्ट 6 तारीख को वो बेचा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक एक दिन में ही क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं, और 2 दिन में करना चाहें तो भी 2 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम डेबुक को हम कैसे एंट्री करेंगे डेबुक में। तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, मैं वैसे ही भर के आपको दिखाऊंगा। जैसे कि 5 तारीख को 2830 रुपया नकद बिक्री हुआ है, उसके बाद नकद खरीद हुआ है 2900 रुपया का, ठीक है, 5 तारीख को। तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 5 तारीख सिलेक्ट नहीं, यहाँ पर देखिए 5 तारीख हम सिलेक्ट कर लिए, 5 तारीख को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 5 तारीख, सॉरी 1 तारीख से ही इसको रहने देंगे, यहाँ 5 तारीख सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे, 5 तारीख सेलेक्ट किया और ओके कर दिए। देखिए यहाँ पर डेट दिखा रहा है ऊपर, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट बुक बुकिंग कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, करने वाले थे कि 5 तारीख को जो है नकद खरीद हुआ था और नकद बिक्री हुआ था उस दिन का। तो यहाँ पे हम समझ क्या समझेंगे, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, स्टॉक परचेस, स्टॉक सेल्स, ये तो सारे आपको ट्रेनिंग में बता दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं बताया गया है तो आपने मेंटर से ज़रूर पूछें। तो मैं यहाँ पे नगद खरीद एंट्री करने वाला हूँ। नगद खरीद यानी कि हमारे पास जो है पैसा दे करके हम खरीद रहे हैं, वो माल है, हम माल परचेस किए, यानी कि हमारा जो पैसा है वो जो है स्टॉक परचेस हुआ। तो हम क्या किए, नगद हम लोग खरीद कर लिए हैं 1 से 2 दिन का, यहाँ पर एक ही दिन में खरीद लिए माल, एक बार खरीदे यहाँ पे एक ही दिन का माल खरीदा हुआ दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आइटम लिखना पड़ेगा हमें कि क्या आपने क्या स्टॉक खरीदा, क्या परचेस किया, ठीक है, क्या परचेस किए। तो हम यहाँ पे ऑल वेजिटेबल वेज आइटम लिख देते हैं, छोड़िए यहाँ वेज आइटम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वांटिटी इन यूनिट्स, अगर आप एक एक टमाटर प्याज आलू ऐसा लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे ऑल कर दिया। लेकिन यूनिट रेट 1 सेट, ठीक है, यानी कि एक ही बार में माल आ रहा है, मतलब एक बार माल हम लोग खरीदे कितने का, डायरेक्ट 2900 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि टमाटर का रेट हम अलग दें, तो यहाँ पर आप ऑल वेज आइटम ना लिख करके एक टमाटर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वांटिटी में यहाँ पे कितना केजी वो लाए, 50 केजी लाए या फिर 100 केजी लाए, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख दें। लेकिन हम यहाँ पे ऑल वेज आइटम करके एक नंबर है जो है, एक सेट है, ठीक है, लमसम। तो इसमें उसका प्राइस भी हम एंट्री कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, वो कैश खरीदे इसलिए हम यहाँ पे कैश में टिक मार दिए, और रिमार्क में अगर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ रिमार्क में आप दे सकते हैं। तो ऑल आइटम जो लिखे हैं उसमें सारा पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टमाटर, टमाटर, बंधा गोभी, आलू, ETC, जो जितना भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेव नहीं करना है, यहाँ पे ऐड नेक्स्ट एंट्री। अगर मान लीजिए उसी दिन में आपका और भी कोई खर्च हुआ था, तो जैसे सामान लाने में तो खर्च हुआ होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ऊपर सरकारी सरकाने के बाद यहाँ पर ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट बुकिंग कैटेगरी, ठीक है, सिलेक्ट बुकिंग कैटेगरी, यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। देखिए अभी हम लोग स्टॉक परचेस किए, तो हम यहाँ पे कुछ खर्च हो गया हमारे साथ, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का खर्च ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट किए। उसके बाद सेलेक्ट आइटम, सेलेक्ट आइटम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वो किस टाइप का आप खर्च किए उस चीज़ को पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो यात्रा है, यात्रा के दौरान हमें खर्च हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितना का, ठीक है, अमाउंट हमारा जो था वो देखे थे हम लोग लिस्ट में, अगर वो दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है पीछे करके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 90 डाल देता हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च था 90 रुपये का था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 90 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल्स, ट्रेवल खर्च डाल देते हैं, ट्रेवलिंग खर्च, ठीक है, यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद अगर उसी दिन और कुछ खर्च हुआ है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि हाँ ट्रैवलिंग के दौरान कुछ वो खाए भी थे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। एक्सपेंसेस में देखते हैं फूड आइटम अगर होगा तो, फिर से यहाँ पर देखते हैं ड्राइंग, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, वेज, वाटर, नहीं ये सब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को जो है हम हटा करके अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। अदर एक्सपेंसेस में हमारा जो है वो निजी उपयोगी या फिर खाना खाया हुआ चीज़ जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तो फूड लिख देते हैं।
यहाँ पे 40 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद अगर और भी कुछ एंट्री करना है तो यहाँ पे एड नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे सेव करेंगे। इसको हम सेव करेंगे, सेव करने पर हमें कैसे दिखाई देता है चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वी विल नॉट बी अलाउड टू इंटर डेटा फॉर दिस फ्री एड इफ़ यू सेव। इसे आप सेव कर सकते हैं। ये जो है इस वक्त पूरा पूरी तरीका से सेव करने नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमने जो डेट डाला था वो 5 तारीख था। अब हम टू डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो जो 5 था वो हाइड हो चुका है, 5 तारीख का जो डेट था वो हाइड हो चुका है और ये 6 तारीख में पहुँच गया है। तो हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो हिस्ट्री है वो हमें दिखाई दे रहा है, स्टॉक परचेस और जो हमने ख़रीदा था, ठीक है। अब हम खरीद तो लिए, बेचे नहीं अभी तक, तो बेचेंगे कब उसको भी मैं एंट्री करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो हाँ, उस दिन जब हम लोग स्टॉक खरीदे थे उस डेट में, तो उसी डेट में बेचे थे, उससे हमें इनकम भी हुआ था। हुआ था कितना, 2830 रुपया इनकम हुआ था, ठीक है, 2830 रुपया हुआ था। तो हम तो बैक हो गया, कैसे करेंगे, अगर प्लस बटन दबाएंगे तो 5 की जगह हमें 6 तारीख आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 6 तारीख है, 5 तारीख तो बैक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो है हैंड का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको आप टच करना है, आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट डेटा एंट्री, नेक्स्ट डेटा एंट्री हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक था हमारा वो सेल्स हो चुका है, स्टॉक सेल हो चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉक सेल्स वाला जो ऑप्शन है उसे हम दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दबाया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमने सेल किया, विच आइटम, क्या हमने सेल किया, वो सारे इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे बस शॉर्टकट में, नहीं तो वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कितना क्वांटिटी में बेचे आपको, अगर उतना अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता ही रहा हूँ, आपको अगर डिटेल से एक एक चीज़ का आपको यहाँ पर ब्यौरा देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लमसम एक साथ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन का है वो, ठीक है, एक दिन का है। तो यहाँ पे हम वन सेट इसमें भी कर दिए, और हमारा जो बेचा गया था, जो मैं पहले लिस्ट में आपको दिखाया था, वो 2830 रुपया था। ये जो एंट्री है ये एमी के द्वारा किया गया है, यानी कि वो कितना बेचा उस तरीके से वो एंट्री किया है। उसके बाद इसको हम अभी अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन जो है हमारा ये आ चुका है। देखिए हमारा जो ऑप्शन था वो आ चुका है, लेकिन सोचिए ये जो सब्जी वाला है, ठीक है, सब्जी वाला है, जो ये जो है 2900 का जो सामान खरीदा है, टोटल परचेस किया है और 2800 बिक्री किया, उस दिन तो उसका लॉस गया, ठीक है, लेकिन एक ही दिन में सब बेनिफिट आ जाए ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि एक 2900 का जो सामान था, जो वेज आइटम है, वो सबको वो 2 दिन बेचता है, यानी कि वो 2 बाज़ार एक साथ करती है, जैसे आज भी है और कल भी बाज़ार है नज़दीकी में। तो आज सामान ले आया और आज का जो स्टॉक रहेगा उसे वो कल भी बेच देगा, तो वो इनकम जो है दूसरे नेक्स्ट दिन में वो आ जाएगा। तो हम इसको प्लस का बटन को फिर से दबाएंगे, नेक्स्ट दिन में जाते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गए 6 तारीख को, 6 तारीख को वो जो है सामान वो टोटली अभी बेचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम गए, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक परचेस तो नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा वो नहीं खरीद रहा है, स्टॉक सेल्स है ना, ठीक है, स्टॉक सेल्स यहाँ पे हम कर देंगे, फिर से स्टॉक सेल्स कर देंगे। उसके बाद आइटम में वही डालेंगे, ठीक है, बेज आइटम डाल देंगे। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यही ज़रूरी नहीं है कि आप यही एंट्री करें, आप जो सामान है उसको आप एंट्री करेंगे, उसके बाद अपना जो क्वांटिटी है यहाँ पे डालेंगे, और जो बिका था सामान मैं उसे डाल देता हूँ, 2640 रुपये का जो वो बेची थी, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री में कर देते हैं, उसका भी नाश्ता खर्च हुआ था एक्सपेंसेस में जा करके, यहाँ पे सिलेक्ट आइटम में जा करके, हाँ ट्रैवल खर्च भी डाल देते हैं, यहाँ पे ट्रैवल खर्च डाल देते हैं, 90 रुपीज़ था। उसके बाद जो वो फूड खाई थी उसका भी, हाँ 6 तारीख को उस दिन वो 30 रुपये का खाई थी, चलिए 6 तारीख को वो 30 रुपये का खाई थी। अदर एक्सपेंसेस तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, फूड 30 रुपये का, तो चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो 6 तारीख वाला था वो सेव हो चुका है, यानी कि स्टॉक सेल्स वेज आइटम सेल्स किया, ठीक है। उसके बाद 90 रुपीज़ का वो ट्रैवल खर्च जो है वो दिया, ठीक है, खर्च हुआ। उसके बाद 30 रुपये खर्च हुआ, ये सारा 2 दिन का है। इसी तरह से आपको प्लस बटन में जाना है और नेक्स्ट 8 तारीख का जो है, नहीं 7 तारीख का जो है, 5 और 6 तारीख का हमने एंट्री किया। चलिए मैं एक बार लिस्ट देख लेता हूँ यहाँ पे,
ये देखिए हम जो एंट्री किए अभी सेम एंट्री किया है 5 तारीख का देखिए और 6 तारीख का, दोनों तारीख का हम लोग एंट्री कर दिया है। एक बार वो नकद खरीद की थी 29 तारीख 2900 रुपया 5 तारीख को, उसके बाद उसे उस माल को 5 और 6 तारीख को वो कम्प्लीटली बेची और उसमें से कुछ वेस्टेज भी हुआ, तो वेस्ट को हम कैसे हम एंट्री करेंगे। तो चलिए हम फिर से जाते हैं, यहाँ पर सब्जी था अपने घर लायक तो ले गई, जो खाने लायक थे वो तो लेके ही जाएगा, तो वेस्ट जो हुआ उसे हम एंट्री कर देते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो जो हैंड वाला ऑप्शन है इसको फिर से दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंसेस स्टॉक परचेस, तो यहाँ पे देखिए कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो को हम दबाएंगे यहाँ पे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आइटम। तो यहाँ पे देखते हैं वेस्ट का आइटम है कि नहीं आउटफ्लो में, नहीं वो खर्च में आ जाएगा, खर्च में आएगा तो इसलिए एक्सपेंसेस में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ये देखिए वेस्टेज में है, यहाँ पे वेस्ट जो सामान था वो काफ़ी कुछ वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम वेस्टेज आइटम में डाल देते हैं उसका कितना वेस्ट हुआ है, तो उसका हम डाल देते हैं 200 रुपया का, ठीक है 200 रुपये का वेस्ट हुआ, हो सकता है 100 रुपये का भी हुआ हो, तो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको। अपडेट करने के बाद देखिए तो ये रहा सारा का सारा, हमने डाल दिया खर्च खर्च ट्रैवल खर्च वेस्टेज से लेकर ये सब स्टॉक परचेस ये सब हमने डाला, ठीक है। तब इसमें आप बताइए कि इसमें और क्या चीज़ छूट रहा है, ठीक है उस डेट में हम अगर 5 तारीख से हम 5 अगस्त से हम स्टार्ट किए हैं तो हमें और क्या एंट्री करना चाहिए। तो हमने तो ये डाला स्टॉक परचेस और स्टॉक सेल्स हमने किया, फिर अदर एक्सपेंसेस खर्च किए, लेकिन साथ में जो 5 तारीख का था उसमें क्या छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें ये छूट रहा है कि हमने इसमें लोन अमाउंट नहीं डाला है, ठीक है ये तो हमने पर डे का एंट्री डाला, ठीक है इतना आप समझ गए होंगे पर डे का एंट्री, लेकिन इसमें और क्या क्या इस फर्स्ट डे में खासकर ये हम 5 तारीख और 6 तारीख का हम बनाए हैं, यानी कि 2 दिन हो रहा है बिज़नेस शुरू हुआ है, सो सिर्फ 2 दिन हो रहा है, यानी कि 2900 का माल खरीदा है उसके बाद से इधर सेल्स एक्सपेंसेस हुआ है टोटल। इसमें हमें इस 5 तारीख में अगर और कुछ हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, 5 तारीख में हमें ऐड करना है तो हम सिंपल यहाँ पे इसको हम फिर से टच कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंट्री अगर छूट गया है तो आप यहाँ पे ऐड नेक्स्ट एंट्री करें, ऐड नेक्स्ट एंट्री के बाद यहाँ पे हमें कैश इनफ्लो दिखाना पड़ेगा, ठीक है जो हमने ख़रीदा उसको तो आपने जाना, लेकिन पहले पैसा आएगा हाथ में उसके बाद तो खरीदे, यानी कि लोन हमारे पास आया था तो इनफ्लो इनफ्लो हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन टेकन, यहाँ पर देखिए लोन टेकन में लोन टेक में यहाँ पे हम दर्ज कर दिए कितना का लोन वो लिया है उसका हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं वो कितने का लोन ली थी, इस चीज़ को आपको अपना डे बुक में या फिर जिसको एमी को दिए जब उस समय लोन कितना दिए थे उस हिसाब से आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10,000 उसे दिलाया था तो मैं यहाँ पे 10,000 यहाँ पे एंट्री करूँगा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए हमने 10,000 का एंट्री किया, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, लोन के साथ में ओनर इक्विटी भी होता है तो यहाँ पर देखिए फिर से इनफ्लो में जाएंगे, इनफ्लो में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट आइटम करेंगे, उसके बाद देखिए ओनर रिपोर्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कितना खर्च हुआ, ओनर कितना और खर्च किया उसमें 3000 4000 5000, ठीक है तो वो 3000 का खर्च किया तो हम यहाँ पर 3000 अब डाल देंगे। 3000 डालने के बाद यहाँ पे हम अपडेट कर दिए, यहाँ पे अपडेट कर दिए, इसमें आपको फिर से आपको ये सोचना है कि इसमें हम क्या छोड़े हैं क्या नहीं छोड़े हैं, उस चीज़ को आपको एंट्री करते वक्त ही आपको देखते जाना है कि क्या आपसे छूट रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एंट्री है सबसे पहले हम स्टॉक परचेस किए थे तो उसमें से हमारा लोन अमाउंट छूटा था, तो हमने क्या किया ये जो हाथ वाला ऑप्शन है इसमें हम गए और 5 तारीख में ही हम एंट्री कर दी, अगर हम 6 तारीख को अगर हम एंट्री करते तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लोन अमाउंट है वो 5 तारीख को ही लिया गया है, 5 तारीख को यहाँ पर देखिए ओनर इक्विटी भी 5 तारीख का है, यानी कि टोटल 13,000 का जो है ये टोटल वर्किंग कैपिटल है, यानी कि देखिए यहाँ पर 10 और 3 13,000 का जो है एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे लोन होना चाहिए था लेकिन हमने पहले एंट्री कर दिया, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस डेट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हम 5 तारीख का डेट में हमने लोन अमाउंट डाल दिया, ओनर डिपॉजिट डाल दिया और उसी लोन से जो हम खर्च किए, ठीक है जो हम खर्च किए उस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाए हैं वो भी 2 दिन का 5 और 6 तारीख में। तो आपका सवाल मन में ये भी होना चाहिए कि फिक्स एसेट कहाँ गया, ठीक है तो फिक्स एसेट इसमें नहीं आ रहा है, फिक्स एसेट आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए
यहीं तक एक दो दिन में वीडियो मैं फिर से डाल रहा हूं, तब तक आप बेल बटन को दबा दें, बेल ऑल में सेट कर दें ताकि आपको करंट टाइम में हमारा घंटी बज जाए, मैसेज बज जाए आपके मोबाइल में और आप सही समय उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने SBP का जो पार्ट टू पार्ट वन ये सब वीडियो जो बनाया है सीरियली लाइन से जो स्टेप बाई स्टेप बनाया है, उसी तरह से इस PTS को भी स्टेप बाई स्टेप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी इसमें समय लगता है, इस वजह से मैं भी नहीं बना पा रहा था। तो शुरुआत कर दिया हूँ तो ये मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, एक लाइक तो बनता है और लाइक करना मत भूलिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलती है। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।